हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लीन टेक। तो चलिए अभी एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले एक्सपेरिमेंट में मैं इस टिश्यू पेपर को पानी के अंदर भिगोने वाली हूँ। अभी मैं इस ट्रे में इस टिश्यू पेपर को रखने वाली हूँ। अभी मैं इसके ऊपर कैंडल को रख के इस कैंडल को जलाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं इस कैंडल को ग्लास से ढकने वाली हूँ। फिर मैं इन दोनों साइड में रखने वाली हूँ। फिर देखते हैं कि ये ग्लास इन दोनों कप को उठा पाता है क्या नहीं। फ्रेंड्स, ये देखिए, फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने, ये दोनों कप को इस ग्लास ने उठा लिया। फ्रेंड्स, आपको पता है ये किस लिए हुआ? क्योंकि इस ग्लास का अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो गया था और ये बाहर का ऑक्सीजन खींचने के लिए ये चिपक गया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? तो चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट में हम देखने वाले हैं नेल पॉलिश फ्लेमेबल है क्या नहीं है। तो मैं अभी नेल पॉलिश को पानी के ऊपर 3-4 ड्रॉप डालने वाली हूँ। अभी मैं इसे लाइटर से जला के देखती हूँ क्या होता है। फ्रेंड्स, ये तो फ्लेमेबल है, ये तो पानी के ऊपर भी जल रहा है। फ्रेंड्स, है ना मजेदार? आप भी इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अभी हम एक लिफ्ट बोर्ड बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक पेन का रिफिल और एक लीफ। फ्रेंड्स, इस रिफिल का इंक को मैं इस लीफ के पीछे लगाने वाली हूँ। फिर मैं इस लीफ को पानी में छोड़ देने वाली हूँ। फिर आप देखना ये लीफ कैसे भागेगा। फ्रेंड्स, अभी मैं इस रिफिल से एक कार्डबोर्ड में इंक निकाल के रखा है। अभी मैं इस लीफ के पीछे मैं थोड़ा सा इंक लगाने वाली हूँ। फिर मैं पानी के ऊपर इसे छोड़ देने वाली हूँ। ये देखिए ये कैसे भाग रहा है। अभी मैं दूसरा लीफ में इंक लगा के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए ये कैसे लीफ बोट की तरह तैर रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।